हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मालानी बाड़मेर की पहचान राठौड़। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने अचानक मालानी रेल को 15 मार्च 2020 से बंद करने की घोषणा की थी। उसी समय युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ ने मालानी बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर प्रदर्शन शुरू किया था। तब राठौड़ ने कहा था कि मालानी हमारी पहचान है, केंद्र सरकार हमारी पहचान को ही हमसे दूर करने पर तुली है। मालानी केवल एक रेल नहीं, ये नाम जब भी सुनते या बोलते हैं तो हमें भीतर से एक अपनायत का एहसास प्रतीत होता है। लिहाजा मालानी के नाम पर इस नाम से चल रही हमारी लाइफलाइन को बेपटरी नहीं होने देंगे। सरकार के फैसले का विरोध किसी एक बाड़मेर का नहीं था, बल्कि मालानी के उन सभी 36 कौमों को विरोध था जिनका वास्ता इस रेल से था। 26 लाख की आबादी के इस थार से गुस्से और विरोध के दबाव में केंद्र सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मालानी एक्सप्रेस नाम नहीं रखा गया था। बाड़मेर में रेल सुविधाओं एवं मालानी एक्सप्रेस पुनः नाम किए जाने को लेकर निरंतर संघर्ष जारी था। बाड़मेर की जनता के दबाव में अब पुनः मालानी एक्सप्रेस नाम कर दिया गया है। आज मालानी बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर फटाके फोड़कर खुशियां जताई। बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न समाजों, सामाजिक एवं व्यवसायिक संगठनों ने भी रेल का नाम पर वापस मालानी एक्सप्रेस किए जाने पर खुशियां व्यक्त की। मालानी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आजाद सिंह राठौड़ ने कहा कि हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारा संघर्ष बाड़मेर में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए जारी रहेगा। यह सभी बाड़मेर वासियों के संघर्ष का परिणाम ही है कि केंद्र सरकार को मालानी एक्सप्रेस नाम पुनः करना पड़ा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।